परासिया में बिरला ग्रुप द्वारा संचालित सियाल घोघरी भूमिगत कोल माइंस आरसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड में रूफ फॉल होने से एक कामगार की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिरला ग्रुप द्वारा संचालित कोल माइंस में रूफ फॉल होने से दो मजदूर मलबे में दब गए। रेस्क्यू कर दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया, जिसमें एक मजदूर राकेश निकोसे की मौत हो गई। वहीं सिंगरौली निवासी मजदूर किशन कोल घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए मेश्राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक कामगार के परिजनों ने कोयला खदान के गेट के सामने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना प्रदर्शन बंद किया। फॉल होने के कारण कुछ श्रमिक दब गए, नाम पता चला कि किशन कोल और राकेश निको से दो श्रमिक उसमें दब गए थे। उनको हमारी रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया वहां से, और किशन कोल को उनको ज्यादा चोटें नहीं आई थी, ये देखते हुए परासिया के हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए। और राकेश निको से उनको कुछ ज्यादा चोटें आई थी, जिनको देखते हुए छिंदवाड़ा रेफर किया गया। और अभी ताजा प्राप्त समाचारों के अनुसार जो हमें सूचना मिली है वहाँ से छिंदवाड़ा अस्पताल से कि राकेश निकोसे जो है उनकी मृत्यु हो गई है। इस माइन में आया हुआ था, जानकारी लगी कि दो लोगों को यहाँ पर रूफ फॉल से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो नॉर्मल है और सीरियस है, उसको मेश्राम हॉस्पिटल प्राइवेट जो हॉस्पिटल है कसड़ो वहाँ पर उसको पहुँचाया गया है। दूसरा जो व्यक्ति है वो उसका सुनने में आया है कि वो गंभीर मतलब हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।